वीडियो में एक सवाल देखते हैं वालेकुम शेख मेरा नाम मोहम्मद साजिद है मैं राजस्थान के लाडू शहर से हूँ मेरा सवाल ये है कि जैसे जमार का टाइम हो जाता है मस्जिद में वो इमाम साहब थोड़ा लेट हो जाते हैं तो लोग थोड़ी देर वेट करते हैं कि इमाम साहब आएंगे और नमाज़ पढ़ा देंगे तो पाँच सात मिनट लोग तो उनका वेट करते हैं तो ये तरीका सही है या फिर टाइम नमाज पढ़ना चाहिए किसी को भी यह राजस्थान से हमारे साजिद भाई हैं इनका सवाल ये है कि अगर कहीं पे जमात का वक्त हो गया है और इमाम साहब तशरीफ नहीं लाए पांच सात मिनट हो गया तो लोग खड़े होकर इंतजार करते हैं तो ऐसे मौके पर जब इमाम तखिर कर दे पहुँचने में तो खड़े होकर इंतजार करना चाहिए या कोई भी आगे बढ़ के नमाज पढ़ा सकता है तो देखिए जहां तक जवाज की बात है अगर इमाम ने काफी ताखिर कर दी है और किसी ने आगे बढ़ के नमाज पढ़ा दिया है तो कोई मसला नहीं है लेकिन फिर भी कुछ हदीसें ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि बेहतर बात यह है कि इमाम साहब का इंतजार किया जाए अगर इमाम साहब कभी कभार ऐसा करते हैं तो और अगर बार बार वो ऐसा करते हैं तो आजकल तो इमाम जो है बाकायदा तय किए जाते हैं बाकायदा सैलरी पर उनको रखा जाता है तो उनकी तंबी होनी चाहिए अगर वो नहीं पहुंच पा रहे तो लेकिन अगर कभी कभार ऐसा हो गया तो घर ये जायज है कि कोई भी खड़ा होकर नमाज पढ़ा दे लेकिन फिर भी अगर रुक जाए इंतज़ार कर लें तो बेहतर है चुनाच इस सिलसिले की कुछ हदीसें देखें सही मुस्लिम की एक हदीसेंदिसम्बर छः सौ तिहत्तर इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वह या उमजलोर फ़ी सुल्तानी कि किसी की मौजूदगी में कोई आदमी इमामत ना कराए यानी अगर कहीं पर कोई शख्स मतयन इमाम है तो उसकी इजाज़त के बगैर दूसरे को आगे नहीं बढ़ना चाहिए लेकिन यहाँ जो आपने सवाल किया असल में मसला ये पड़ जाता है कि इमाम नहीं पहुंच पा रहा है तो यहाँ पे ये गुंजाइश निकलती है कि चूंकि वह नहीं पहुंच पा रहा बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं किसी को ताखीर हो रही है किसी को कोई मसला है तो कोई आगे बढ़ के पढ़ा दिया को, तो कोई मामला नहीं लेकिन अगर इमाम मौजूद है बर वक्त मौजूद है तब तो कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई दूसरा आगे बढ़े उस इमाम की इजाजत के बगैर कतअअन गुंजाइश नहीं है कि दूसरा कोई आगे बढ़े अगर मौजूद है तो लेकिन मौजूद नहीं है तो गुंजाइश निकलती है

कहते हैं कि एक रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाने में ताखीर कर दी ताखीर से आप आए नमाज पढ़ाने के लिए आधी रात तक आपने ताखीर कर दी सुबह खर्ज आलिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान आए बाहर निकल कर आए इमामत के लिए फलाम सल्ला अकबला बेवजह जब आप वसल्लम आधी रात को आए और आपने नमाज पढ़ाई तो नमाज पढ़ाने के बाद हमारी तरफ मुतवाल और कहा इन कि लोग नमाज पढ़ चुके और सो चुके यानी कुछ लोगों ने नमाज पढ़ ली और सो गए व इन नकुम लेकिन तुम लोग यानी वहां पर जो लोग रुके रहे और आधी रात तक अल्लाह के नबी वसल्लम का इंतजार करते रहे कि नबी आएंगे तो हम उन्हीं के साथ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में फरमाया कि वह तक नमाज के इंतजार में रहोगे तो नमाज की हालत में माने जाओगे ये बहुत अहम नुक्ता है यहाँ पे कि अगर इमाम साहब से कभी कभार लेट हो गया पांच मिनट कुछ लेट हो गया और पांच मिनट आप खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं तो ये जो टाइम पांच मिनट आप दे रहे हैं ये वेस्ट नहीं ये बर्बाद नहीं है ये बेकार नहीं है ये टाइम ज़ाय नहीं होने वाला है बल्कि ये टाइम काउंट होगा नमाज के अंदर इबादत के अंदर इसका आपको सवाब मिलेगा इसलिए अगर कहीं पर मुक्तदी हजरत मतहमिल हैं वो इंतज़ार कर सकते हैं तो उनको इंतज़ार करना चाहिए इमाम साहब के साथ हो सकता है कोई मसला हो कोई उज़्र हो कभी वो लेट हो सकते हैं अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है कि कई दफ़ा आप तखिर से आए तो कोई शख्स अगर मुस्तकिल इमाम है तो उससे कभी कभार ऐसा हो सकता है कभी कभार अगर ऐसा होता है कोई उज्र है तो इंतजार करना चाहिए इसका ये सवाब है ये फायदा है ये फायदा है कि वो इंतजार रायगा नहीं हो वह इंतजार बेकार नहीं उसका सवाब मिलेगा लेकिन बहरहाल जवाज मौजूद है कि अगर कोई आगे बढ़ के नमाज पढ़ा देता है जब इमाम साहब नहीं आ रहे हैं काफी लेट कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है बिलखसूस हमारे दौर में देखिए आज के दौर में लोग बीमार होते हैं और आज के दौर में लोगों की लाइफ बहुत बिजी है ख़ासतौर तो तो से शहरों में एक एक मिनट उनका बहुत कीमती है तो ऐसे माहौल में अगर पाँच मिनट या सात मिनट दस मिनट अगर कोई लेट कर दे ना आए और मुक्तदी खड़े रहें तो बहुत भारी पड़ेगा बल्कि हो सकता है वहाँ पर कोई फितना हो जाए इसलिए इमाम साहब अगर कभी ऐसा हो गया तो अगर ऐसा कोई देखे कि वहाँ की मसली मुतहमिल नहीं हो बर्दाश्त नहीं कर सकते इंतज़ार नहीं कर सकते बहुत बिजी हैं जैसे देहात वगैरह में तो चल जाएगा बहुत ज़्यादा मसलूफत नहीं होती लेकिन शहर वगैरह में लोगों का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है उनका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है बड़ी मुश्किल से वो टाइम निकाल के आते हैं और कतन बर्दाश्त नहीं करते कि ज़्यादा वक्त लग जाए नापा हुआ टाइम होता है लोगों को वक्त दिए रहते हैं तो ऐसे माहौल में कोई आगे बढ़ के पढ़ा दे तो बेहतर है उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा